अल्लाह ताला को याद करना खूबसूरत तरीन कामों में से एक काम है, बेहतरीन इबादात में से एक इबादत है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इसके बारे में फरमाते हैं, वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, और अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ा काम है, बहुत अच्छा काम है। हकीकत यह है कि इंसान जिस चीज से मोहब्बत करता है उसको जरूर याद करता है, उसका जिक्र करता है, दिल ही दिल में भी और जबान से भी। क्योंकि जिस चीज की मोहब्बत इंसान के दिल में होती है वो चीज जबान पर आकर रहती है। ये हो नहीं सकता कि हम अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हों, दिल में उसको याद करते हों, फिर जबान से उसका जिक्र करना भूल जाएं। जिक्र इलाही तो बंदा मोमिन की जिंदगी में गैर महसूस तरीके से शामिल हो जाता है, उसकी इस तरह आदत हो जाती है कि इंसान उठते बैठते चलते फिरते तन्हाई में सबके बीच में बैठकर अपने रब को याद करता रहता है, दिल ही दिल में या जेरे लब। वो अपने रब को किसी हाल में भी नहीं भूलता, और भूले भी क्यों, इसलिए कि उसकी जात पर रब के एहसानात हर एक से बढ़कर हैं, उसकी निगाहें हर तरफ रब के कमालात देखती हैं, वो हर तरफ रब की नेमतों को देखकर सरशार होता रहता है। वो जिस तरफ भी नजर उठाता है वहीं उसको रब की कुदरत और तखलीक नजर आती है, अपने सामने दाएं बाएं ऊपर नीचे हर तरफ जमीन आसमान जो कुछ भी बना हुआ है, जो कुछ भी फैला हुआ है, वो सब उसके रब का बनाया हुआ है। फिर वो उस रब को कैसे भुला सकता है। कुरान पाक में अहले ईमान को जिक्र करने की तलकीन की गई है। अल्लाह सुभान व तआला फरमाते हैं, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। एक और जगह पर फरमाया, वज़कुर रब्बक फी नफ्सिक तदर्रुअन व खीफतन व दून अल जहरी मिन अल क़ौल बिल गुदुव वल आसाल वला तकुम मिन अल गाफिलीन, और अपने परवरदिगार को दिल ही दिल में आजजी और खौफ के साथ और आहिस्ता आवाज से सुबह शाम याद करते रहो, और देखना गाफिल न होना, यानी रब की याद से कभी भी गफलत इख्तियार न करना। एक और जगह पर फरमाया, वज़कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ्लिहून, और अल्लाह का जिक्र करो कसरत के साथ, बहुत ज्यादा। क्यों? लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पाओ, कामयाब हो जाओ। इससे पता चलता है कि अल्लाह ताला को याद करना कामयाबी की अलामत है, अल्लाह के जिक्र में कामयाबी की जमानत है। मोमिन मर्दों और औरतों की सिफत कुरान पाक में यही बयान की गई है कि वो बहुत ज्यादा अल्लाह का जिक्र करने वाले होते हैं। सूरत अल-अहज़ाब में आता है, वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात, और अल्लाह का जिक्र करने वाले मर्द और अल्लाह का जिक्र करने वाली औरतें जो कसरत से अल्लाह का जिक्र करती हैं, कसीरन अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा, अल्लाह ने उनके लिए बख्शिश और बहुत बड़े अजर का वादा कर रखा है। और फिर ये कि जिक्र करने के लिए कोई खास वक्त मुकर्रर नहीं, इंसान हर हाल में जिक्र कर सकता है, हर वक्त में जिक्र कर सकता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, कान यज़कुरुल्लाह फी कुल्ली अहयाने, आप हर वक्त में, यानी हर किस्म के वक्त में, दिन में या रात में, सुबह में या शाम में अल्लाह का जिक्र किया करते थे। हदीस पाक में आता है, हजरत अबू मूसा अशारी से रिवायत है, मसलुल लज़ी यज़कुरु रब्बहु वल लज़ी ला यज़कुरुहु मसलुल हय्य वल मय्यित, रवाहुल बुखारी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स की मिसाल जो अपने रब का जिक्र करता है जिंदा इंसान की तरह है, और उसकी मिसाल जो अपने रब का जिक्र नहीं करता मुर्दा शख्स की तरह है। गोया जिक्र करने वाला और ना करने वाला, इन दोनों के दरमियान इतना ही फर्क है जितना एक जिंदा और मुर्दा इंसान में फर्क होता है, और ये फर्क कितना बड़ा है। यानी इंसान तो वही होता है, लेकिन जिंदा इंसान में और मुर्दा इंसान में जिंदगी और मौत का फर्क है। बिल्कुल इसी तरह जो शख्स अपने रब को याद करता है, उसका जिक्र करता है,
उसके अंदर एक जिंदगी है, उसके अंदर एक खास खुशी होती है, इत्मीनान होता है, और वो जो नहीं करता उसका दिल मुर्दा होता है, उसके अंदर जिंदगी की कोई उमंग नहीं होती। एक और हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, मैं अपने बंदे के ख्याल के मुताबिक होता हूँ या ख्याल के साथ होता हूँ, जो ख्याल वो मेरे बारे में रखता है मैं उसी के मुताबिक उसके साथ मामला करता हूँ, और मैं उसके साथ होता हूँ जब वो मुझे याद करता है। गोया जिक्र करने वाले अल्लाह की मदद के मुस्तहिक होते हैं, यानी अल्लाह ऐसे बंदों के साथ होता है जो जिक्र करते रहते हैं। अगर वो मुझको अपने दिल में याद करता है तो मैं भी उसको अपने दिल में याद करता हूँ, और अगर वो मुझे किसी जमात में बैठ के यानी किसी ग्रुप में यानी पब्लिक में बैठ के याद करता है तो मैं उसको उससे बेहतर जमात में याद करता हूँ, यानी फरिश्तों की जमात में याद करता हूँ। तो गोया फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद रखो मैं तुम्हें याद रखूंगा। तो जो शख्स भी ये चाहता हो कि अल्लाह ताला उसको याद रखे, उसकी मुश्किल में उसकी मदद करे, तो उसके लिए क्या जरूरी है कि फिर वो जिक्र करता रहे। और जिक्र तमाम इबादात को खूबसूरत बनाता है। मसलन रोजा रखना एक इबादत है, लेकिन जिस रोजे में जिक्र इलाही हो उसका अजर सवाब कई गुना बढ़ जाएगा। हज एक इबादत है, बजाते खुद हज का सफर एक इबादत है, लेकिन उस सफर में इंसान अगर जिक्र इलाही करता रहे तो उसी हज का सवाब कई गुना बढ़ जाएगा। और नमाज तो सरासर है ही अल्लाह की याद का नाम, अकीमिस्सलात लिज़िक्री, नमाज कायम करो मेरी याद के लिए, अल्लाह के जिक्र का बेहतरीन तरीका है। एक और मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब ये पूछा गया कि सबसे अच्छी नमाज किसकी, सबसे अच्छा रोजा किसका, सबसे अच्छा हज किसका, सबसे अच्छा मुजाहिद कौन, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर बार यही जवाब दिया कि जो अपने इन कामों में जिक्र इलाही कसरत के साथ करे। और जिक्र करने वाले हर मैदान में आगे निकल जाते हैं। हदीस पाक में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुफर्रिदून सबकत ले गए। लोगों ने पूछा कि ये मुफर्रिदून कौन है, फरमाया वो मर्द जो कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र करते हैं, और वो औरतें जो कसरत के साथ अल्लाह को याद करती हैं। और यहाँ आप नोट कर रहे हैं खास तौर पर मर्दों के साथ साथ औरतों का जिक्र भी मिलता है। हजरत अब्दुल्लाह बिन बसर फरमाते हैं कि एक शख्स ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक इस्लाम के अहकाम मुझ पर बहुत हैं, यानी जिम्मेदारियां बहुत हैं, करने के काम बहुत हैं, आप मुझे कोई ऐसी बात बताएं जिसे मैं अपने लिए लाजिम कर लूं, यानी मेरे लिए आसान हो और मैं पाबंदी से कर सकूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यज़ालु लिसानुका रत्बम मिन ज़िक्रिल्लाह, कि एक चीज पाबंदी से पकड़ लो और वो क्या, कि तेरी जबान हमेशा अल्लाह के जिक्र से तर रहे, हरदम अल्लाह को याद करते रहो। और यह हकीकत है कि इंसान कोई भी काम कर रहा हो, मसलन खवातीन खाना पका रही हैं, घर साफ कर रही हैं, वॉक कर रही हैं, कोई भी काम कर रही हैं इस तरह का, तो उसमें साथ साथ अल्लाह की याद करती रहे, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अस्तग़फिरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इन अज़कार का विर्द करते रहे, तो उसमें काम भी होता रहेगा और उसके साथ साथ अल्लाह की याद भी होती रहेगी। खुसूसी तौर पर दो कलिमात ऐसे हैं जिनके बारे में बेहतरीन अजर की खुशखबरी सुनाई गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कलिमताने, दो कलिमात ऐसे हैं, खफीफताने अलल लिसानी, जो जबान पे बहुत हल्के हैं, यानी पढ़ने में कुछ मुश्किल नहीं, फकीलताने फिल मीजानी, मीजान में बहुत भारी है, हबीबताने लर रहमाने, रहमान को बहुत महबूब हैं, और वो क्या हैं, सुभानअल्लाह व बिहम्दिही, सुभानअल्लाह लजीम, चलते फिरते उठते बैठते काम काज करते तस्बीह पढ़ते रहना, जिक्र करते रहना, इंसान के दिल को जहां इत्मीनान बख्शता है वहां उसके काम को आसान भी कर देता है, और अल्लाह की मदद भी साथ होती है। और कुरान पाक में ऐसे लोगों के लिए खुशखबरी है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, सुनो अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान होता है। और वैसे भी मीजान में बहुत भारी नेकी है। एक हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से पूछा, क्या मैं तुम्हें न बताऊं कि तुम्हारे अमल में सबसे अच्छा अमल, सबसे पाकीजा,
और तुम्हारे दर्जात को सबसे ज्यादा बढ़ाने वाला और जो तुम्हारे लिए सोने चांदी के खर्च करने से ज्यादा बेहतर हो।